आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आयाती तेल खरीद भाव के मुकाबले और सस्ता होने से कारोबारी गतिविधियां काफी हद तक रुक सी गई हैं, जिससे दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बता रहे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन तेल तिलहन तथा सीपीओ, बिनोला, पामोलिन तेल सहित अधिकांश खाद्य तेल में कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। मिली जानकारी के मुताबिक आयातकों ने जिस भाव पर सोयाबीन, डिगम और कच्चे पाम तेल का लाखों टन की मात्रा में आयात कर रखा है, बाजार टूटने की वजह से उन तेलों के दाम आयात भाव से काफी सस्ते हो गए हैं। अब नौबत ये है कि आयातक ने जिन कारोबारियों को ये तेल पहले से बेच रखा है, वे महंगे भाव पर सौदे उठाने से कतरा रहे हैं और आयातक से महीने, डेढ़ महीने का समय मांग रहे हैं। अब आयातक ना तो उस सौदे को बेच पा रहे हैं और आगे कोई सौदा नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा ये है कि आयातित माल उठाया नहीं जा रहा है और ठहराव जैसी स्थिति है। इससे आयातकों के बैंक के कर्ज डूबने का खतरा बढ़ गया है। आयातकों की तरह तेल उद्योग भी संकट के दौर से गुजर रहा है। इसके अलावा देश में तेल तिलहन उत्पादन बढ़ाने की मुहिम को भी धक्का लग सकता है। अक्टूबर में सोयाबीन की फसल आने पर किसानों को अपनी उपज बेचने को लेकर चिंता है कि सस्ते आयातित तेल की देश में प्रचुर मात्रा में मौजूदगी के बीच उनकी तिलहन फसल का ऊंचे भाव पर कौन लिवाल होगा। इस स्थिति के बीच सौपा जैसे कई तेल संगठनों और खाद्य तेल कारोबार के विशेषज्ञों ने सरकार से आयातित तेलों पर आयात शुल्क लगाने की मांग की है। वहीं देखा जाए तो बाजार में कारोबारी गतिविधियां कम हुई हैं और आयातित तेलों के लिए सही भाव पर खरीद करने वाले खरीदार नहीं है। मजबूरी में आयातकों को कुछ मात्रा से सस्ते में बेचने की नौबत है। अभी जब पामोलियन तेल लगभग 90 रुपए लीटर है तो इसके मुकाबले अगले बढ़े हुए एमएसपी वाला सरसों महंगा पड़ेगा और ऐसे में उसे सस्ते सीपीओ और सोयाबीन, डिगम जैसे तेलों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। माना जा रहा है कि सरकार को परिस्थितियों पर सुषमता के साथ लगातार निगरानी रखते हुए फैसले करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारे देश को तेल तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता दिलाने का सपना धराशाही हो सकता है। वहीं ये भी माना जा रहा है कि इसके अलावा खाद्य तेलों से मिलने वाला पशु आहार कहाँ से आएगा। गौरतलब है सीपी और पामोलियन से हमें पशु आहार प्राप्त नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।